डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने सीखा है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में सीखा है, आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। तो देखिए, ये आपकी बुक में बना हुआ है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें भी तीन पीरियड्स होते हैं। एक वंस का पीरियड होता है, एक थाउजेंड्स का पीरियड होता है और एक मिलियंस का पीरियड होता है। और आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि इसमें वंस के पीरियड में सभी नंबर्स जू की तू ली जाती है, जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ली जाती है। मतलब वंस के पीरियड में तीन प्लेस आ जाएंगे, एक वंस का प्लेस होगा, एक टेंस का प्लेस होगा, एक हंड्रेड्स का प्लेस होगा। इसी तरह से थाउजेंड्स के प्लेस में अब की बार इसमें कितना आ जाएंगे, इसमें तीन प्लेस आ जाएंगे थाउजेंड्स के प्लेस में। जबकि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या था, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में था, थाउजेंड्स के प्लेस में केवल दो ही प्लेस थे, थाउजेंड्स के दो प्लेस थे। लेकिन इसमें कितने हो गए, इंटरनेशनली में तीन हो गए। एक इसमें थाउजेंड्स का प्लेस हो गया और एक टेन थाउजेंड्स का प्लेस हो गया, एक इसमें हंड्रेड थाउजेंड्स का प्लेस हो गया। अब इसी तरह से अब एक और लेंगे, इसमें लाख्स और टेन लाख्स वगैरह ये नहीं होता, ठीक है, टेन लाख्स या करोड़, इसमें चलता है मिलियंस। तो देखिए, अब एक इसमें जो तीसरा पीरियड आ गया वो मिलियंस का आ गया। तीसरे पीरियड में, मिलियंस के पीरियड में भी तीन प्लेस हैं, एक मिलियन का प्लेस हो गया, एक 10 मिलियन का प्लेस हो गया और एक क्या हो गया, 100 मिलियंस का प्लेस हो गया। तो अगर हम बात करें कि राइट से अब आप पांच तक तो जानते ही है। राइट से जो फिफ्थ डिजिट होती है वो 10,000 की होती है, सिक्स्थ डिजिट हो गई वो 100,000 की हो जाएगी, और सेवन्थ डिजिट हो जाएगी वो मिलियंस की हो जाएगी, और एट्थ डिजिट हो जाएगी वो किसकी होगी, एट्थ डिजिट हो जाएगी 10 मिलियंस की, और नाइन्थ डिजिट हो जाएगी 100 मिलियंस की हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है ना। अब हम जैसे एक नंबर लेते हैं और उस नंबर को एक न्यूमिरल ले लिया हमने, न्यूमिरल है हमारे लिए न्यूमिरल हो गया। देखिए बुक में, देखिए मैं कॉपी में लिख लेता हूं यहां पर, ये रहा एक न्यूमिरल ले लिया हमने इसमें, 6932753। अब हमें इसे जो लिखना है कॉमाज लगाकर लिखना है, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, ठीक है। कौन से सिस्टम में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम्स में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसे लिखने के लिए क्या करेंगे हम, ये तो क्या होती है, वंस की प्लेस होती है, यानी वंस की डिजिट हो गई, ये हंड्रेड्स की डिजिट हो गई, और ये थाउज वो सॉरी ये टेंस की डिजिट हो गई, ये हंड्रेड्स की डिजिट हो गई। तो इस तरह से ये जो तीनों नंबर आ गई, यानी 7, 5, 3, ये कौन से पीरियड्स में आ गई, वंस के पीरियड में आ गई। अब इसी तरह से अब हम इसमें देखेंगे थाउजेंड्स के पीरियड में भी तीन नंबर आती है। अब जो चौथी नंबर होती है थाउजेंड्स की होती है, राइट से फिफ्थ नंबर हो गई वो 10,000 की हो गई, और राइट से ही सिक्स नंबर हो गई वो कौन सी हो गई, 100,000 की हो गई। तो अब हम ये कहेंगे तीनों नंबर कौन से पीरियड्स में आ गई, थाउजेंड्स के पीरियड में आ गई, वो भी इंटरनेशनली प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। थाउजेंड्स की कौन सी होगी इसमें, 932, और इसके बाद ये आता है सिक्स, ठीक है ना। तो सिक्स आ गई ये मिलियंस के, ये सिक्स आ गई मिलियंस के पीरियड में, मिलियंस के पीरियड में आ गई सिक्स यहां पर। तो अब इन्हें हमें कॉमा से सेपरेट करना है, तो कॉमा से सेपरेट करके देखिए किस तरह से हम इसे लिखेंगे। देखो, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे तो सिक्स, अब थाउजेंड्स का पीरियड आ गया तो कॉमा लगा देंगे 932, इसके बाद वंस का पीरियड आ गया फिर से कॉमा यूज कर देंगे 753। तो इस तरह से ये नंबर लिखी जाएगी कॉमाज की हेल्प से इंटरनेशनली सिस्टम। अब अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए जो मैंने इस चार्ट बनाया है इंटरनेशनल सिस्टम का, तो देखिए इसमें ये तो बन गया मिलियंस की डिजिट आ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 मिलियंस, 6 मिलियंस। और ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये जो तीनों नंबर आ रही है ये आ रही है थाउजेंड्स के पीरियड में है, तो इसे कहेंगे 932,000, 900 32,000। और इसके बाद वंस के पीरियड में ये तीन नंबर है 753, ये आ जाएगा यहां पर।
753। तो इस तरह से हम इसे लिख देंगे इंटरनेशनली सिस्टम में।